कोरोना काल में जिन कोरोना वॉरियर्स को लोग भगवान की तरह देख रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन कोरोना वॉरियर्स के लिए थाली और ताली बजवा रहे थे, अब वही कोरोना वॉरियर्स अपने वेतन को तरस रहे हैं और टेम्परेरी कोविड अस्पताल में अब अपनी नौकरी खोकर सड़क पर आ गए हैं। इसी खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच हिसार में संजीवनी अस्पताल सरकार की तरफ से तैयार किया गया था, टेम्परेरी अस्पताल तैयार किया गया जिसमें नर्सिस की भर्ती भी की गई थी। अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच इनकी नौकरी को, इनके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया गया और अब ये धरने पर बैठने को मजबूर हो चुके हैं। मुझे बताइए कि संजीवनी अस्पताल तैयार किया गया था कोरोना के मुश्किल हालात में, टेम्परेरी 29 करोड़ के खर्च के साथ ये अस्पताल तैयार किया गया, अब क्या हालात? प्रॉब्लम ये है, इन्होंने हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, इन्होंने स्टाफ नर्सें अपॉइंट कर ली बिना रिलीजिंग लेटर के, ये हमें निकाल रहे हैं। हमारे सिर्फ 3 मांगे हैं, हमारा वेतन, हमें जॉब सिक्योरिटी, इसके अलावा हमें यहाँ पे सिविल में एडजस्टमेंट कर दिया जाए, इसके अलावा हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमने सिक्योरिटी के पैसे दिए हैं, हमारी सारी बातें एसकेएस के अंडर में सीएमओ के अंदर हो चुकी है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं आपकी बातें ऊपर तक पहुँचाऊंगी। कॉन्ट्रैक्टर ने नौकरी पर रखने के लिए भी आप लोगों से वसूली की है, तो सिक्योरिटी लिए है हमसे। किस बात की सिक्योरिटी? अगर नौकरी खत्म हुई तो सिक्योरिटी वापस? हाँ जी, अब उन्होंने कहा था कि अगर इन केस हॉस्पिटल बंद होता है तो आपको सिक्योरिटी वापस देंगे। जब हमें लगाया था ना, तब हमें ये कहा गया था कि आपको यहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो अब क्या सिक्योरिटी के पैसे वापस मिल रहे हैं आपको? नहीं, मना कर रहे हैं ये लोग। अब सरकार से क्या आश्वासन आप चाहते हैं? आश्वासन यही चाहते हैं सरकार से कि बस हमारे जो 3 मांगे हैं ये पूरी कर दें, हमारा वेतन दे दें, हमें जॉब सिक्योरिटी और हमें एचपी यहाँ पे सिविल में एडजस्ट कर दे, दैट्स इट। हम 35 कर्मचारी हैं, हमें यहाँ पे एडजस्ट कर दे। चलिए, MPHW कर्मचारी जो कोरोना के मुश्किल हालात में अपने जिंदगी का दांव खेलकर लोगों के जिंदगी को बचाए हुए थे, वो भी अपने वेतन के लिए अब तरसते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे बताइए कि किस तरह की परिस्थितियां इस वक्त आपके सामने खड़ी? ऐसा है, हमारा जो पिछली लहर और इस लहर में हमारे MPHC कैडर के सभी MPHW हेल्थ इंस्पेक्टर, SMI और सभी ANM ने अपनी पूरी निष्ठा के साथ कार्य किया था, लेकिन अब प्रशासन का ये देखिए नकारात्मक रवैया कि 2 महीने से उनको तनख्वाह के लिए जूझना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। हमने स्वास्थ्य विभाग को 2 बार ज्ञापन प्रेषित कर चुके हैं, आज भी हमने CMO मैम को ज्ञापन दिया है जिस पे मैम ने ये कहा कि आपकी सैलरी जल्दी ही रिलीज कर दी जाएगी। इसके बावजूद भी अगर हमारी मांगों पे सकारात्मक ढंग से कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो हमें एक कड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। चलिए, हालात आप देख लीजिए, कोरोना के मुश्किल हालात में जो स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी जिंदगी का दांव खेल कर लोगों की जिंदगी को बचा रखने में जुटे हुए थे, अब वो वेतन के लिए तरस रहे हैं और तमाम वो नर्सेज जो संजीवनी अस्पताल में, जिन्हें टेम्परेरी अस्पताल में नौकरी दी गई थी, तमाम उन नर्सेज को अब नौकरी से बाहर कर दिया गया है, उनके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया गया है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।